दोस्तों नौ गेंद पर आउट हुए थे शादाब खान। आज दोबारा होगा मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड। तीसरे 2020 मैच में कीवी टीम ने लगाया फेंटा। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी बहुत बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे 2020 मुकाबले में पाकिस्तान टीम को 7 विकेट से हार झेलनी पड़ गई। दरअसल मैच का टॉस न्यूजीलैंड टीम ने जीता और पाकिस्तान टीम को पहले बल्लेबाजी दे दी, जिसके बाद बाबर आजम और सैम अयूब ने मिलकर पाकिस्तान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन जब पाकिस्तान टीम का स्कोर 55 रनों तक पहुंचा था तभी सैम अयूब कप्तान बाबर आजम का साथ छोड़ गए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान आए जिन्होंने 22 रन बनाने के बाद रिटायर हो गए। वहीं इसके बाद उस्मान खान बल्लेबाजी के लिए आए और मैच 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद इरफान खान ने 30, शादाब खान के 41 और बाबर आजम के 37 रनों की बदौलत पाकिस्तान टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 178 रन बनाए। इसके बाद 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम ने भी शानदार शुरुआत की। दोस्तों न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी करी। इसके बाद 2 लगातार विकेट गिरने के बाद कीवी टीम की पारी को चैपमैन के 87 रनों ने संभाल कर 7 विकेट से न्यूजीलैंड टीम को जीत दिला दी। वहीं मैच के बाद शादाब खान के विकेट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल सूत्रों के मुताबिक शादाब खान 9 बॉल पर आउट हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच आज फिर दोबारा खेला जा सकता है।